नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अपना उत्तर प्रदेश में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास से महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति के चौथे चरण को हरी झंडी दिखाई। इस अभियान के तहत सरकार नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंब को बनाने का प्रयास कर रही है और रैली के तहत लोगों को केंद्र और राज्य की योजनाओं को जानकारी दी जाएगी। यूपी में सीएम योगी का मिशन शक्ति अभियान जारी है, जिसके तहत सरकार ने पहले तीन चरणों की अपार सफलता के बाद चौथे चरण का शुभारंभ कर दिया है। मिशन शक्ति सफलता का ही परिणाम है कि भारत सरकार ने भी महिला सुरक्षा के लिए चलाए जाने वाले अभियान का नाम मिशन शक्ति रखा है। इस दौरान सीएम योगी ने महिला सशक्तिकरण रैली को रवाना कर दिया है। इस रैली के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से महिलाओं बेटियों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं से रूबरू कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 में प्रदेश और देश के अंदर महिला संबंधी अपराधों को नियंत्रित करने की दिशा से प्रदेश के अंदर जो एक अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ किया था, जिसकी थीम ही थी कि सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन, इन तीन मुद्दों को लेकर के जो कार्यक्रम हम लोगों ने आगे बढ़ाया था वह मिशन शक्ति कहलाया। और मिशन शक्ति का यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर तो लोकप्रिय हुआ ही, महिला संबंधी अपराध को नियंत्रित करने में और अपराध करने वाले अपराधियों को दंडित करवाने में उत्तर प्रदेश देश के अंदर अग्रणी राज्यों में आज देखा जा रहा है। वही कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा है कि पूरे देश में महिला संबंधी अपराध को नियंत्रण करने और अपराधियों को सजा दिलाने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश की अग्रणी राज्य बना दिया है। मिशन शक्ति के तहत हर शहर, गांव और नगर निकायों के वार्डों में केंद्र और राज्य सरकार की महिला संबंधी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आज बीसी सखी, बैंकिंग करेस्पोंडेंट सखी बनकर महिलाएं गांव में बैंक की कमियों को पूरा कर रही हैं। संख्या के आधार पर लगभग आधा हिस्सा महिलाओं का है। महिलाओं के विकास के बिना परिवार, समाज और देश के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। महिलाओं को ऐसा भय मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना आवश्यक है जिसमें वो सामाजिक व आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनते हुए राष्ट्र के निर्माण में अपने सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सके। इतना ही नहीं, वह गांवों के लोगों की विपत्ति के समय भी मदद भी कर रही हैं। इन महिलाओं को सरकार की ओर से 6 माह का प्रशिक्षण दिया गया। वहीं महिला सुरक्षा पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि महिला और बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले से सख्ती से निपटा जा रहा है। सरकार पहले ही लोगों को सुधरने का काफी समय दे चुकी है, अब ऐसे लोगों को सख्ती से निपटने के लिए थाना स्तर पर कार्रवाई का रिकॉर्ड भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। 15 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में महिलाओं को जागरूक करने के साथ ही उनकी समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सीएम योगी ने मिशन शक्ति की शुरुआत से पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए महिलाओं को शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। वहीं गोरखपुर के नगर निगम मुख्यालय और एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम के बीच एमओयू साइन किया गया। ये एमओयू 2255 करोड़ की लागत से 500 टन प्रतिदिन क्षमता के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की स्थापना के लिए किया गया। तो वहीं इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने 234 करोड़ की 303 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, सीईओ एनटीपीसी श्रीमती रेणु नारंग जी,
श्री संजय बौद्ध जी, नगर निगम के सभी पार्षदगण, सभी यहां पे नगर निगम और प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज शारदीय नवरात्रि की प्रथम तिथि है। प्रतिपदा की इस तिथि पर जगत जननी मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान आज से प्रारंभ हो रहे हैं। 9 दिनों तक भगवती दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करने और दशमी एक विजया की तिथि है, न्याय सत्य और धर्म की विजय की तिथि। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन नगर निगम गोरखपुर का एक बहुत बड़ा कार्य जो नगरीय विकास की दृष्टि से अत्यंत मायने रखता है और स्मार्ट सिटी के लिए जिसकी एक महती भूमिका होती है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एनटीपीसी के साथ एमओयू। मैं पूरे गोरखपुर वासियों को शारदीय नवरात्रि की बधाई देता हूं और महानगर वासियों को और सभी नगर निकायों से जुड़े हुए जितने भी हमारे नगर निकाय हैं, वहां का भी सॉलिड वेस्ट यानी जितना भी कूड़ा होगा, इन सभी को एनटीपीसी के द्वारा जो प्लांट लगाया जाएगा उसमें निस्तारित करने और वहां पे चारकोल बनाने, उससे सीएनजी बनाने, उससे बिजली बनाने का कार्य स्वयं इनके द्वारा होगा। इस पूरे कार्यक्रम के लिए मैं नगर निगम गोरखपुर और गोरखपुर के सभी महापौर, पार्षद और महानगर वासियों को, विभिन्न नगर पंचायत के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, नगरीय विकास ये आज की आवश्यकता है। अगर भारत को दुनिया के अंदर एक इकोनॉमिक पावर बनना है, एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करना है, उसमें से नगरीय विकास एक महत्वपूर्ण पक्ष है। रोजगार सृजन की संभावनाएं भी बढ़ती हैं और विकास के माध्यम से प्रत्येक नागरिक तक शासन की योजनाओं का लाभ भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। ये रोजगार और स्वावलंबन के आधार भी बन सकती है, लेकिन नगरीय क्षेत्र में अनियोजित और अवैज्ञानिक विकास की सोच ने वहां पर एक नई समस्या खड़ी कर दी थी। गंदगी के ढेर, आप किसी भी बड़े महानगर में आप चले जाइए, सबसे पहले आपके दर्शन होते थे एक बड़े से ढेर पर, एक बड़ी सी पहाड़ी पर, वो कूड़े का पहाड़ हुआ करता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिस बड़े अभियान को आगे बढ़ा करके लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का उसे माध्यम बनाया, उनमें से नगरीय जीवन को स्वच्छ सुंदर बनाने के साथ साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए हम सब सॉलिड वेस्ट या किसी भी प्रकार के वेस्ट को वेल्थ में बदलने के लिए कार्य कर सकेंगे। इस दृष्टि से आज नगर निगम की यह पहल अत्यंत सराहनीय है और मुझे विश्वास है कि यह गोरखपुर को वास्तविक रूप से स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित करने में इसकी बड़ी भूमिका होगी। एनटीपीसी को इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हम सब इस बात को जानते हैं कि अब तक कूड़ा कलेक्शन या सॉलिड वेस्ट का उचित प्रबंधन न होने के कारण जितना भी कूड़ा निकलता था, जितना भी सॉलिड वेस्ट निकलता था, यह ऐसे ही कहीं फेंक दिया जाता था। अलग अलग यानी गोरखपुर महानगर का भी एकला बंधे पर गिरा दिया जाता है, ऐसे ही महेश्वरा में गिरा दिया जाता है, कोई गुलरिया में गिरा देता है, कोई चोरी चोरा के पास, कोई बढ़लगंज के पास, कोई पिपराइच में, कहीं अलग अलग जगह
और 20 सड़क के किनारे यानी सड़क के एंट्री पॉइंट पर ही लोग गिराते थे। परिणाम क्या होता था जो कोई। वहीं यूपी कैबिनेट में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से खास बातचीत की है और क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनाते हैं। के सत्र के पहले की बहुत दुर्दशा थी। उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं था, गुंडागर्दी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर थी, महिलाओं पर अत्याचार हो, इस प्रकार की घटनाएं रोज न रोज घटित होती थी। लेकिन आदरणीय योगी सरकार आने के बाद आज 12 बजे रात को भी बेटी रेस्टोरेंट से अपने घर जा सकती है, रात में लखनऊ से काशी जा सकती है, अपने को सुरक्षित महसूस करती है। इसलिए एक परिवर्तन आया है योगी सरकार के नेतृत्व में और आदरणीय मोदी जी आदरणीय योगी जी का सपना है कि बेटियां महिलाएं अपने पैरों पर खड़ा हों, आत्मनिर्भर बने। तो आप देखेंगे कि दलित बेटी भी कूड़ा वाली भी गाड़ी चलाती है, नेतृत्व करती है और पायलट भी बन रही है, जहाज भी उड़ा रही है और लोकल गाड़ी भी चला रही है। ये क्षमता देश में एक विकसित हुआ है, राज्य के अंदर विकसित हुआ है। इसलिए शक्ति मिशन इसी कारण सभी का आत्मनिर्भर प्रोत्साहन सभी को, और देखेंगे पुलिस की भर्ती भी बड़े पैमाने पर बेटियां होंगी। एक रुपया भी रिश्वत नहीं लगा है। इसी तरह हमें एक रिक्शा चालक मिला था, काम मेरी बेटी पुलिस में भर्ती हो गई और एक रुपया रिश्वत, न जातिवाद न क्षेत्रवाद न व्यक्तिवाद न परिवारवाद, मतलब योग्यता के आधार पर ईमानदारी से योगी सरकार के नेतृत्व में भर्तियां हो रही हैं और बेटियां बड़े पैमाने पर आज महिलाएं भी समूह बनाकर आत्मनिर्भर हो रही हैं, अपना प्रोडक्ट का निर्माण कर रही हैं और वो आगे बढ़ रही हैं। वहीं गोरखपुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा बैंक रोड के 100 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और संबोधित किया। क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनाते हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक श्री आनंद विक्रम जी, उप महाप्रबंधक श्री संजय कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, भारतीय स्टेट बैंक के सभी अधिकारी और कार्मिकगण, गोरखपुर के हमारे सभी उद्यमी व्यवसायी और स्टेट बैंक की व्यवस्था के साथ जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, शारदीय नवरात्रि की आप सबको हृदय से बधाई। जगजननी मां भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे, ये मेरी शुभकामनाएं आप सब के प्रति है। और यह एक महज संयोग नहीं बल्कि 100 वर्ष पहले जब इंपीरियल बैंक ने अपनी पहली ब्रांच इस क्षेत्र की गोरखपुर में स्थापित की होगी, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि 100 वर्ष के बाद जब 15 अक्टूबर 2023 को इस बैंक को 100 वर्ष पूरे होंगे तो उस दिन शारदीय नवरात्रि का पहला दिन होगा। हम सब जानते हैं 1806 में आज का जो भारतीय स्टेट बैंक है यह इंपीरियल बैंक के रूप में, बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में इसकी स्थापना 1806 में कोलकाता में होती है और इंपीरियल बैंक के रूप में इसने अपनी यात्रा प्रारंभ की। यानी आप देखेंगे इसकी यात्रा को अलग अलग क्षेत्रों में किस रूप में यह बढ़ता गया। 1806 में कोलकाता में, 1840 में मुंबई में, 1843 में मद्रास में और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में, द स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को स्थापित होती है और फिर ये
प्रक्रिया आगे बढ़ते बढ़ते आज यहां पर आपने देखा होगा कि किस प्रकार की एक लंबी यात्रा के साथ एक ब्रांच जो बनी थी गोरखपुर में, और उस समय यद्यपि प्रस्ताव यहां का जो इसके बारे में इंपीरियल बैंक के का प्रस्ताव गोरखपुर से जो गया था वह 1880-82 में जा चुका था, लेकिन बैंक के बोर्ड ने उसको खारिज कर दिया था क्योंकि उनको लगता था कि बैंक अपना खर्चा नहीं निकाल पाएगा। 1892 में फिर दूसरा प्रस्ताव जाता है तो वह कंसीडर तो होता है, लेकिन 1923 में इसकी सहमति मिलती है और 15 अक्टूबर 1923 को यह बैंक स्थापित होता है जो गोरखपुर का आज मुख्य स्टेट भारतीय स्टेट बैंक की जो मुख्य शाखा है, मुख्य भवन है, वह भारतीय स्टेट बैंक की यही भवन है जो आज से ठीक 100 वर्ष पहले गोरखपुर वासियों के लिए, इस कमिश्नरी वासियों के लिए यह बैंक यहां पर विकास की एक पायदान के रूप में सहयोग करने के लिए आगे बढ़ा था। आज अपनी 80 ब्रांच के साथ, 439 ग्राहक सेवा केंद्र के साथ, 236 एटीएम और क्योक्स के साथ, 21 लाख खातेधारकों के साथ और कुल 11,500 करोड़ रुपए के जमा पूंजी के साथ भारतीय स्टेट बैंक गोरखपुर में अपना कार्य कर रहा है। हम सब जानते हैं कि 2014 के बाद बैंकिंग सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं और वह बदलाव किस रूप में देखने को मिले। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। या चिलचिलाती धूप, प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे भी थे जहां हमारी बहुत सी माताएं बहनें सर पे घड़ा रख के मीलों दूर से पानी लेकर आती थीं। वहीं कुछ इलाकों में घर तक जल पहुंचना सपना था। वो समय बड़ा कष्टदायक था, पर रात कितनी ही काली क्यों ना हो, क्या कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा नहीं होने दिया। अंत्योदय से सर्वोदय करोड़ों परिवारों के जीवन में नया सवेरा लेकर आया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश हर घर जल योजना के क्रियान्वयन में अग्रणी राज्य है। जल जीवन मिशन ने बुंदेलखंड और विंध्याचल की तो तस्वीर ही बदल दी है। यह योजना मातृशक्ति के लिए अनुपम उदाहरण बनकर उभरी है। नारी को नारायणी की तरह पूजने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना से महिलाओं को सशक्त बनाया, जन जन को सेहत का उपहार दिया और रोजगार के अवसर देकर जीवन को खुशहाल बनाया है। सपनों को सच कर दिखाया, हर घर जल पहुंचाया। 3 दशक का इंतजार खत्म हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मजबूत इच्छा शक्ति के माध्यम से नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब अटल सच्चाई बन चुका है। इस महायज्ञ में उत्तर प्रदेश ने एक बड़ा योगदान तब दिया जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 17 अक्टूबर 2020 को मिशन शक्ति अभियान की आधारशिला रखी गई। मिशन शक्ति एक विजन है प्रदेश की महिलाओं के सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का। मिशन शक्ति के अंतर्गत पूर्ण हुए 3 चरणों में अभूतपूर्व लक्ष्यों की प्राप्ति की गई। मिशन शक्ति के चतुर्थ चरण में अनेकों योजनाओं के विस्तार और कार्यान्वयन के नए लक्ष्यों का संधान किया जा रहा है। इन योजनाओं के पीछे ताकत है डबल इंजन की सरकार की और प्रेरणा है यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की। बेटियों को सशक्तिकरण का उपहार, डबल इंजन की सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में परिवर्तन संकल्प महासभा का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि परिवर्तन महासभा में
का आयोजन करने के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की है और साथ ही महासभा को संबोधित किया गया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनाते हैं। वाजपेयी जी ने बनाने का काम किया, एक कांग्रेसियों के शासन के अंदर पुराना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य बनकर खड़ा था। छत्तीसगढ़ को अटल जी ने बनाया और जब हमारी सरकार बनी, डॉक्टर रमन सिंह इसके मुख्यमंत्री बने, 15 साल में ये बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाने का काम डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया। छत्तीसगढ़ के अंदर 15 साल में ये राजनांदगांव और चाहे छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग बहुल क्षेत्र हो, दलित भाई जहां रहते हो वो क्षेत्र हो, दुर्ग और भिलाई के कॉस्मोपॉलिटन इलाके हो या जहां मेरे आदिवासी भाई बहन रहते हो वो क्षेत्र हो, हर क्षेत्र को संपूर्ण विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यहां की छत्तीसगढ़ी को, छत्तीसगढ़ी भाषा को राज्य की भाषा का दर्जा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। किसानों को 14% ब्याज से मुक्त कराने का काम, जोर से ताली बजाइएगा, हमारी रमन सिंह सरकार ने किया। मित्रों, सबसे पीडीएस की व्यवस्था सबसे अच्छी देश भर में कहीं पर लागू हुई तो मेरे और आपके इस छत्तीसगढ़ में हुई और रमन सिंह को चावल वाला बाबा कहकर पुकारा गया। ट्राइबल, ओबीसी और दलित को अपने अधिकार देने का काम किया और छत्तीसगढ़ को हमने विकसित राज्य बनाने के लिए ढेर सारे कदम उठाए। और मैं पूछने आया हूं भैया भूपेश जी, 5 साल में आपने क्या किया इसका जरा हिसाब किताब दीजिए। मुझे मालूम है हिसाब देने का आपका स्वभाव नहीं है, आप विकास का हिसाब किताब नहीं करते हो, बेचारे ताम्रध्वज साहू और राजा साहब से हिसाब किताब करने में पड़े हो, आप विकास का हिसाब नहीं कर सकते हो। मित्रों, आने वाला चुनाव एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं, आने वाला चुनाव विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, आने वाला चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में स्वर्णिम भविष्य वाले छत्तीसगढ़ बनाने का चुनाव है। हर छत्तीसगढ़िया ने एक एक वोट मोदी जी के नेतृत्व में स्वर्णिम छत्तीसगढ़ बनाने के लिए देना है। छत्तीसगढ़ हमारे 15 साल के शासन में खाद्य और पोषण सुरक्षा देने वाला भारत का सबसे पहला राज्य बना, कौशल विकास उसका अधिकार देने वाला सबसे पहला राज्य बना, 150 दिन तक, जोर से ताली बजाइएगा, 150 दिन तक रोजगारी देने वाला सबसे पहला राज्य बना, महिला मजदूरों को मातृत्व अवकाश देने वाला पहला राज्य बना और माताओं बहनों को पंचायत चुनाव में। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही, नमस्कार। कि सर्दी हो या चिलचिला